नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए जल्दी से, से सेशन के साथ जुड़ जाए थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था स्ट्रीम की के ना मिलने के कारण हमारा सेशन थोड़ा सा यहाँ पे विलंब हो गया है तो कोई बात नहीं जल्दी से सभी सेशन के साथ जुड़ जाए और यहां पे बता दें अगर आप लोगों को वॉइस एकदम अच्छे से क्लियर है वॉइस में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है ठीक है चलिए क्लियर है सभी को वॉइस एकदम अच्छे से एक सेकंड रुकिए। चलिए वॉइस सभी को क्लियर है बता दें एक बार आ रही है आवाज चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि यहां पे हमारी एक विंटर सेल आ चुकी है और इस विंटर सेल में आपको जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो काफी कम डिस्काउंट पे अवेलेबल है अच्छी खासी यहां पे आपको 35 परसेंट का ऑफ मिलेगा सभी कोर्सेज पे और उसमें आपको बस कोड इस्तेमाल करना है आलोक पी तो अगर आप आलोक पी कोड इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सीटेट आपको बारह सौ रुपए में केवीएस आपको तीन हजार रुपये में तकरीबन पीजीटी टीआरटी टीजीटी आपको मिल जाएगा सारा का सारा छत्तीस सौ रुपए में और यहां पे सीटेट टेट पीआरटी और बाकी सब आपको मिल जाएंगे चार में ठीक है इससे सस्ता पड़ेगा ध्यान रखिएगा इससे भी सस्ता पड़ेगा आलोक पी कोड लगाने के बाद इससे भी सस्ता पड़ेगा तो आप ये सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं तो हम बात कर रहे हैं एनसीआरटी क्लास सातवी पे हम लोग पहुंच चुके थे हमारी जोग्राफी की जिसमें हम लोग अभी कर रहे थे मेरे ख्याल से ह्यूमन एनवायरमेंट सेटलमेंट ये वाला और ये तीन टॉपिक हमारे बचे थे कोशिश रहेगी कि आज इन तीनों को निपटा दिया जाए तो चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे तो आखिरी क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने कहा छोड़ा था मासूम मासूम से प्रश्न थे और आखिरी क्वेश्चन हमने छोड़ा था कहा गया ये वाला हो गया था एंडेज माउंटेन हाँ एंडेज माउंटेन वाला हो गया था कि नहीं हुआ था एक मिनट रुकिए, चलिए एंडेज माउंटेन से ही शुरू कर लेते हैं है ना एंडेज माउंटेन से ही शुरू कर लेते हैं चलिए तो आते हैं दोस्तों चलिए नो साउंड स्लो साउंड ऐसे कैसे हो रहा है कुछ लोग कह रहे हैं साउंड आ रहा है कुछ लोग कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है आवाज आ रही है सभी को भाई ऐसा ना करें आप लोग अपने मोबाइल का आवाज ना बढ़ाएं और फिर उसके बाद यहां कहते रहें कि आवाज नहीं आ रही सुबह कुछ बालिकाओं ने ऐसा कृत्य किया था क्लियर है आवाज जरा बता दें अभी तो आप लोगों को क्लियर आ रही थी एकदम से कैसे खराब हो सकती है ये तो ये रहा क्वेश्चन नंबर वन बहुत बढ़िया ऋषु राजपूत धन्यवाद मेरी तरफ से इस बात को कहने के लिए एंडेस माउंटेन इज ऑन नॉर्थ अमेरिका एंडेस जो है नॉर्थ अमेरिका में है और इलामास जो होते हैं वो याक्स का इस्तेमाल करते हैं तिब्बत में चलिए क्लियर 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 बहुत अच्छे प्रगति बहुत बढ़िया सुमन ऋषभ कीर्तन अभी ठीक है चलो अच्छी बात है बहुत बढ़िया यस समय मालूम है एंडेस माउंटेन तो नहीं है रॉकी माउंटेन है वहां पे तो यहां पे पहला वाला तो गलत है है ना पहला वाला गलत है दूसरा वाला ही सही है और दूसरा वाला यहां पे है कि इलामास जो होते हैं वो याक्स का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो वही बात यहां पे एनसीआरटी ने की है ट्रांसपोर्ट से संबंधित कुछ बात है कोई खास बात है नहीं ट्रैवल आप लोग करते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग मोड ऑफ ट्रैवल होते हैं जैसे जो इलामाज होते हैं ठीक है, है? इलामाज़ वो याक्स का इस्तेमाल करते हैं कहां पे तिब्बत में जैसे ठीक है होता है ठीक है आगे बात करते हैं ठीक है चलिए अब बात करते हैं आगे तो ये रहे आपके कुछ ऐसे ही अलग अलग तरीके के होते हैं आप सिंपल सा बात थी कोई खास बात नहीं है। सिंपल सिंपल चैप्टर दूसरा क्वेश्चन आते हैं चलिए द रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड एक सड़क है भाई जो अंडरग्राउंड है उसे हम क्या कहते हैं सब वे एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर या रन वे ठीक है उस प्रकार की सड़क जो भूमिगत सड़क होती है उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं चलिए किस नाम से हम संबोधित करते हैं अगर कोई भूमिगत सड़क होती है दूसरे का क्या हो जाएगा सही जवाब सब वे एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर या रन वे सभी बी एक्सप्रेस वे नहीं यार दूसरे का ए सब वे ही तो होता है सब वे ही तो कहते हैं भाई सब वे वो खाने वाला सब वे नहीं ये दूसरा सब वे है ठीक है तो रोडवेज होते हैं हमारे हम जानते हैं दो तरीके के होता है एक पक्का होता है एक कच्चा होता है पक्का वाला भाई अच्छे से पका हुआ है ये पक्का सड़क हो गया ये कच्चा सड़क हो गया है ना पक्का कच्चा सड़क होता है गांव देहात में चले तीसरा आते हैं तो सड़क में अगर हम बात करें हम एनसीआरटी पे ही बेस्ड है तो एनसीआरटी जो बातें कह रही है हम सभी बातों को लेकर चल रहे हैं कह रहा है कि गोल्डन ट्राइंगल जो है भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज वो किसे नहीं जोड़ता है हमें मालूम है स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया भारत में ठीक है मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए तो कह रहा है इसमें से किस शहर को वो नहीं जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली भोपाल मुंबई या चेन्नई दिल्ली भोपाल मुंबई या चेन्नई किसको नहीं जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज तीसरे का बी यस भोपाल भोपाल से कोई लेना देना नहीं है तो भोपाल का इसमें कोई भौकाल नहीं है स्वर्णिम चतुर्भुज में ठीक है तो यहां पे हमें मालूम है एकदम सही है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता है ना हो गया बहुत आसान सा प्रश्न था चौथा नंबर का क्वेश्चन आया फिर से हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है प्लेन्स यानी मैदान जो होते हैं वहां पे काफी ज्यादा हमें सड़कों का घना नेटवर्क देखने को मिलता है ठीक है मनाली और लेह जो आपकी सड़क है वो दुनिया की हाईएस्ट रोडवेज में से आती है ठीक है बड़ा आसान सा प्रश्न है मासूम सा प्रश्न है मासूमियत से हो जाएगा कोई इसमें दिक्कत परेशानी किसी को होगी नहीं इतने सिंपल सिंपल ये प्रश्न है चलिए क्या होगा सही जवाब बताने का प्रयास करें सभी फोर्थ का बी दोनों ही तो सही है यार, दोनों ही सही है ना दीपाली जी दोनों ही सही होंगे क्यों भाई प्लेन्स यानी मैदानी भाग है वहां पे सड़कें बनाना आसान है पहाड़ों पे बनाना मुश्किल है तो पहाड़ों पे ज्यादा सड़कें नहीं बनेंगी सड़कों पे ज्यादा सड़क मतलब मैदानी भागों में ज्यादा सड़कें बनेंगी तो आम बात है सही उत्तर होगा बोथ यानी दोनों ठीक है तो डेंस नेटवर्क ऑफ रोड हमें देखने को मिलते हैं और मनाली ले हाईवे जो है ठीक है ये दुनिया की हाइएस्ट मोटरेबल रोड में से आती है फ्लाईओवर हमें मालूम है ऊपर से निकलते हैं गोल्डन ट्रायंगल हमारा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता से निकलता है हो गई बात खत्म ये रहा हमारा गोल्डन ट्रायंगल ठीक है क्वाड्रिलेटरल यार चतुर्भुज है ठीक है ट्रायंगल ट्रायंगल कर रहे हैं चलिए हो तो गया चलिए अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे ठीक है सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन था चलिए ओहो फोर्थ था फोर्थ फिफ्थ 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 क्वेश्चन पांचवा प्रश्न आ जाइए मनाली मनाली कवाली बहुत अच्छे सर को मेरे रॉन्ग आंसर एकदम नजर आ जाते हैं क्योंकि जो सही आंसर दे रहा होता है उससे सही आंसर की उम्मीद होती है तो जब वो गलत आंसर देता है तो यहां पे वो तुरंत नजर आ जाता है यहां हाई साउंड में सॉन्ग बज रहा है बज रहा है बज रहा है नहीं होता बज रहा होता है ठीक है चलिए पांचवा प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन रेलवे भारतीय रेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कहा गए ये रहा कौन सा सही है पांचवा प्रश्न कह रहा है कौन सा सही है प्लेन एरिया में है लार्जेस्ट इन एशिया है दोनों बातें सही है कोई टेंशन नहीं है दोनों की दोनों बातें सही है मासूम सा प्रश्न हैवी हा ट्रेन का हम इस्तेमाल करते हैं भाई और भारतीय रेल की अगर हम बात करें तो प्लेन एरिया में अच्छी खासी फैली हुई है और अगर हम बात करें तो एशिया में यहाँ पे सबसे तगड़ी हमारी रेलवे आती है ये देखिए पहाड़ों पर ही आसपास एरिया में भी इस तरीके से रेलगाड़ी चलती है काफी सुंदर मनोहर दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो हो गई बात आते हैं छठे क्वेश्चन पे अब यहाँ पे कुछ तथ्य सामने आ गया और बड़ा प्यारा तथ्य है ठीक है कुछ तथ्य है और बहुत प्यारा तथ्य है हाँ प्रगति जी जब प्रगति में कोई चीज रुकेगी तो प्रगति जी पता तो करना पड़ेगा ना अब भाई आप लोग वही तो अब देखो मैंने कहा ना जब कमेंट्स में आप वहां पे आंसर करते हैं जब वीडियो एंड हो जाती है कमेंट्स में जब आप लोग आंसर करते हैं तो वहां पे फिर मुझे पता चलता रहता है कि भाई कौन कौन क्लास में संपूर्ण रूप से सजग है तो उसके नाम ध्यान हो जाते हैं ना हाँ चलाते हैं कुछ करते हैं ऋतु जी मैराथन का भी लिए कुछ करेंगे अभी कुछ चीजों में व्यस्त है तो इसलिए नहीं हो पा रहा है मैराथन भी करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है यह सेंट पीटर्सबर्ग से लेके वॉल्डी तक तक है कई बार मैंने इसके बारे में बात की है है ना कई बार हम बात कर चुके हैं इसके बारे में अक्षांश देशांतर पढ़ा था तब भी पढ़ा था तो दोनों बातें सही है है ना दोनों की दोनों बातें ये एकदम सही है अरविंद कुमार बर्मन जी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो पैडोगॉजी साथ में नहीं पड़ जाती है जो आप पैडोगॉजी पढ़ते हो ना वो सब्जेक्ट पैडोग सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हो दोनों को मिक्स कर लेते हो एक ही चीज होती है ठीक है उसके लिए कोई अलग से आपको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ आएंगे अब आप बोलेगा आपको कि आपको बच्चों को रेल के बारे में बताना है तो कहां लेके जाएंगे आप रेलवे स्टेशन रेल म्यूजियम ऐसे करके पूछेगा है ना तो बस यही सब रहता है सिंपल सा या रेलगाड़ी बना देंगे क्लास में हूँ सभी को है ना कि चलो बेटा रेलगाड़ी बन जाओ हो गया सातवां क्वेश्चन आते हैं सातवां क्वेश्चन है वाटर वे से संबंधित जल यात्रा जल यायन से संबंधित है जब हम समुद्री मार्ग से जो सफर करते हैं जल के थ्रू हम सफर करते हैं सी रूट एंड ओशन रूट आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्केंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री कह रहा है जो सी रूट होते हैं ठीक है तो सी रूट जो होता है आपका उसका इस्तेमाल किया जाता है सामान को एक देश से दूसरे देश में सामान भेजने के लिए सबसे ज्यादा पहला ये कह रहा है कह रहा है वाटर वेज जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ठीक है वाटर वेज जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं काफी ज्यादा महंगे होते हैं चलिए कब होगा भाई जब होगा तब होगा पता चल जाएगा अब ये किसी को नहीं पता है ठीक है अब यह बात का ज्ञान किसी को नहीं है जब होना होगा तब हो जाएगा आप अपनी तरफ से तैयार रहे देवियों सज्जनों बस इतनी सी आपसे दरख्वास्त है ठीक है नंदनी दास जी ए को लॉक कर दो यस एकदम सही है भाई देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा कि सामान को भेजने का एक जगह से दूसरी जगह सबसे सस्ता टिकाऊ तरीका होता है पानी पानी के द्वारा हम किसी भी सामान को सस्ते में भेज सकते हैं तो ये सबसे सस्ता तरीका होता है महंगा नहीं होता है सबसे सस्ता होता है सस्ता तो वाटरवेज की वही बात है हो गई बात ये देखिए पानी में आप बैठते हैं जाते हैं घूमते हैं अब यहां पे हम वाटरवेज में जो सामान भेजते हैं उसके लिए हम पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं नहीं? पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो पोर्ट्स दुनिया में कहां, कहां कौन से पोर्ट्स हैं जो एनसीआरटी बता रही है मुख्य उनकी हमें लोकेशन पता होनी चाहिए जैसे रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में है डरबन केप टाउन इन नॉर्थ अमेरिका में है रोटेडम यूरोप में है और या फिर नन करेक्ट बताना है रियो डी जेनेरो डरबन केप टाउन रोटेडम आठवा, आठवा आठवा तो जो एनसीआरटी देखिए बहुत सारे हैं पर एनसीआरटी जिनका नाम बता रखी है उनको हमें ध्यान रखना है फिलहाल तो बाकी जब आप कहीं ऊपर आगे और पढ़ाई करें तब ज्यादा याद रखें पर अभी तो जितनी एनसीआरटी जितने पे बात कर रही है उन्हीं बातों पे हमें अपने आप को केंद्रित रखना है आठ का बी आठ का बी ए सी वाह wow. बहुत अच्छे बहुत बढ़िया काफी मिला जुला यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है काफी मिला जुला यहां पे उत्तर देखने को मिल रहा है जगहों को काफी ज्यादा आपने यहां से वहां कर दिया है तो देवियों सज्जनों यहां पे डरबन और केपटाउन कह रहा है नॉर्थ अमेरिका में डरबन केपटाउन अफ्रीका में है अफ्रीका महाद्वीप साउथ अफ्रीका की तरफ तो यह नहीं हो सकता रियो जेनेरो साउथ अमेरिका में है नहीं बचा रोटेडैम तो रोटेडैम ही यहां पे यूरोप में है बस यही एक हमारे पास बचता है और बाकी कुछ बचता ही नहीं है ठीक है तो वही यहां पे बात की है पोर्ट्स के बारे में फालतू की चीजें हैं एनसीआरटी जो फालतू फालतू बात कर रही है उस पर नहीं ध्यान देते तो यहां पे देखिए सिंगापुर मुंबई एशिया में न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका में रियो डी जेनेरो साउथ अमेरिका में डर्बन केपटाउन अफ्रीका में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लंडन और रोटाडैम यूरोप में तो यही बात जितनी एनसीआरटी ने की है उतनी ही बात पे हम ध्यान रखेंगे कि जितने यहां पे पोर्ट्स बंदरगाह हमें एनसीआरटी मेंशन करके दे रही है उन सभी पोर्ट्स को हम ध्यान रखेंगे कि वो पोर्ट्स हैं कहां पे ठीक है इन्हीं से संबंधित प्रश्न आएगा ठीक है क्लियर है बात एकदम अच्छे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना चलिए बहुत अच्छे तो ये रहा एनसीआरटी ने एक चार्ट इस्तेमाल किया है तो इस चार्ट के अंदर जो भी आपको यहां पे बंदरगाह देखने को मिल रहे हैं उनकी लोकेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा एक बार हम सबका नाम देख रहे हैं आप लोग भी ठीक है आप लोग भी इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो यहां पे हम देख रहे हैं एक तरफ से यहां से देखते आ रहे हैं देखते चलिएगा ठीक है न्यूजीलैंड में वेलिंगटन ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ठीक है इस वाले मैप को वहां से इसे देख लीजिएगा पर नाम सुनते चलिए कौन कौन से कहां पे हैं और अगर आपके पास एनसीआरटी है तो खोल के देख ले नहीं तो इसे अच्छे से देख ले रुकिए एक मिनट इसके लिए हम कुछ तिकड़म लगाते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न आपके दोस्तों बन सकते हैं एक मिनट एक सेकंड रुकिएगा हाँ यहां आ जाते हैं सबसे पहले यहां देख रहे हैं हम लोग न्यूजीलैंड की तरफ ऑस्ट्रेलिया ये रहा न्यूजीलैंड कौन कौन से हैं देखिए वेलिंगटन अकलैंड सिडनी नहीं सिडनी यहां पे ऑस्ट्रेलिया में है तो वेलिंगटन और अकलैंड हमें न्यूजीलैंड में दिख रहा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में फिर यहां पे डार्विन ऑस्ट्रेलिया में बस ये ध्यान रखते चलने कहां पे है फिर उसके बाद यहां पर क्वाला रामपुर सिंगापुर यहां पर है मनीला यहां पर टोक्यो यहां पर है हॉगकॉन्ग यहां रहा शंघाई ये रहा बेजिंग ये रहा वर्ल्ड वॉस्टक ये रहा ठीक है फिर उसके बाद यहां पे आ जाते हैं मॉस्को ये रहा कुछ खास खास देखने हैं बस फिर आते हैं यहां पे अगर हम तो ये रहा डरबन ये रहा केप टाउन यहां पे आ जाते हैं तो ये रहा लीमा ये रहा रियो डी जेनेरो साओ ब्यूनो उसके बाद यहां पे आ जाते हैं ये रहा करकस, पनामा मियामी न्यू ऑर्लियंस बर्मुडा बॉस्टन मैक्सिको सिटी लॉस एंजलिस वैनकूवर यूरोप में देख लेते हैं बर्मिंग हम लंडन स्टॉकहोम एमस्टरडेम पेरिस वेरिस जो दिख रहे हैं थोड़े बहुत इनको ध्यान रखिएगा ठीक है कि कहां कहां पे हैं ये सर ए राइट होगा साउथ अमेरिका था ऑप्शन में सर प्लीज क्वेश्चन साउथ अमेरिका था मैंने देखा नहीं भाई ओ oh, सही 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 माफ कीजिएगा साउथ अमेरिका है रियो रियोडी जेनेरो करेक्ट तो दो हो गए ना दो हो गए फिर तो तो इनकरेक्ट कर लीजिए इसमें इनकरेक्ट कर लीजिए ठीक है मैंने नॉर्थ अमेरिका समझा था ठीक है तो इनकरेक्ट कर लेते हैं तो डरबन केपटाउन नॉर्थ अमेरिका में जो बता रहा है यह गलत है ठीक है चलिए मुझे लगा ये नॉर्थ अमेरिका मेरा ध्यान नहीं गया चलिए हो गया यहां पे आगे आ गया जाते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा था कौन से नंबर पे क्वेश्चन पे आ गए बहुत बढ़िया किस बालिके ने बताई ये बात बालिके नंबर थी कौन यहां पे ऋषभ सक्सेना ठीक है चलो हो गया ना कोई दिक्कत नहीं मिनी रावत बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये बताएं जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा ए, ये तो फालतू है क्वेश्चन नंबर बताएं ये सब फालतू है कोई मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे आएंगे ना तो हमारा ये वाला खत्म हो गया अब हम आते हैं ह्यूमन एनवायरमेंटल इन ट्रॉपिकल एंड सब तो यहां पे चैप्टर जो है उस पर आ गए एट चैप्टर की शुरुआत करते हैं ह्यूमन एनवायरमेंट इंट्रैक्शन एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन और यहां पे पहला क्वेश्चन आने से पहले यह कैसे आ गया चलिए तो पहला क्वेश्चन यहां पे नाइन्थ नंबर जो था एट था कि नाइन्थ था नौ पर आ आ गए गए नौ पर आ चलो पे ही चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है है नदी जो है, वो किस देश से नहीं बहती है ये आपको बताना है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एमेजॉन नदी हमने पढ़ी है दुनिया की सबसे बड़ी नदी किस देश से नहीं बहती है ब्राजील अर्जेंटीना पेरू या बोलेविया कहां से नहीं बहती है ये बताना है आपको कहां से नहीं बहती है चलिए कहां से नहीं बहती ऑल ऑफ द अबव सभी कर रहे हैं अच्छा कोई बोलीविया कर रहा है कोई अर्जेंटीना कर रहा है पेरू कर रहा है बहुत बढ़िया लगे रहें लगे रहें कहां से नहीं बहती है हो गया सभी का अर्जेंटीना अर्जेंटीना से नहीं बहती है आपकी मैप देखना पड़ेगा इसके लिए हमें यह रहा अमेजोन और उसकी सहायक नदियां सारी तो ये रही अर्जेंटीना ये देखिए यह रहा अर्जेंटीना का भाग और अर्जेंटीना में यह नदी नहीं पहुंच रही है यह रही बोलीविया बोलीविया में भी इसकी कुछ सहायक नदी है पेरू में भी कुछ सहायक नदी है ब्राजील में तो यह दबाके बहती है ठीक है तो कोई मतलब ही नहीं है तो यहां पे अगर हम देखा जाए तो अर्जेंटीना में नहीं बहती बहुत अच्छे मिनी रावत बहुत बढ़िया क्या हुआ संतोष पांडे जी पांडे जी दुखी क्यों हो गए तो ध्यान रखना है अर्जेंटीना में नहीं बहती है चलिए अब बात करते हैं यहां पर दसवें क्वेश्चन नंबर पर आ गए दसवा कीजिए करेक्ट ऑप्शन फिर से आप लोगों को निकालना है सही जवाब निकालना है ठीक है करेक्ट ऑप्शन निकालिए मेन रिवर अलोंग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन एन एरिया फ्रॉम ब्राजील अर्जेंटीना में नहीं बहती अरे ब्राजील में तो बहती है यार ब्राजील में कैसे कह दिया कि नहीं बहती है पूरी नदी ब्राजील में है शिखा जी कहा हो जी मेन रिवर जो है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन सभी के साथ मिलकर उसका कैचमेंट एरिया या फिर बेसिन या फिर जल ग्रहण क्षेत्र बनता है एकदम सही बात है तो पहला तो एकदम सही है दूसरा कह रहा है एमेजॉन बेसिन जो है यह दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है एकदम सही है ठीक है तो दोनों के दोनों सही है तो बोथ करेक्ट होंगे ठीक है चलिए आ गई साउंड आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, गई. चलिए तो ये देखिए ये रहा एमेजोन और इसकी सहायक नदियां जो मिलके पूरा जो ये क्षेत्र बना रही हैं ये इसका हो गया कैचमेंट एरिया क्या हो गया कैचमेंट एरिया हो गया आगे बढ़ते हैं तो हमें दो शब्द जानने हैं एक तो ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदी तो सहायक नदी वो नदियां होती हैं जो किसी मुख्य नदी में आके मिलती हैं ठीक है थीके? दूसरा यहां पे कुछ बात कह रहा है एमेजॉन नदी के बारे में तो अमेजोन नदी को जब खोजा गया तो वहां पे जो उस समय जंगली लोग वहां पे जो रहते थे जो लोकल ट्राइब्स रहते थे वो ग्रास की स्कर्ट्स पहनते थे ठीक है ग्रास की स्कर्ट्स पहनते थे तो उससे उन्होंने हमला कर दिया तो इसी से इनका नाम अमेजॉन रखा गया ठीक है तो हाँ अब आ जाते हैं अमेजॉन बेसिन के बारे में कुछ खास बातें वैसे तो हमने पढ़ लिया है तो ये दस डिग्री नॉर्थ से लेकर दस डिग्री साउथ जो आपका है अक्षांश उसके बीच में फैला है एक भूमध्य सागरीय रीजन है इक्विटोरियल यहां पे रीजन है इक्विटोरियल देखने क्लाइमेट देखने को मिलता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है नदी माउंटेन पश्चिम में माउंटेन से निकलती हुई अटलांटिक तो ओशन में गिरती है इस बात को ध्यान रखना है और यहां पे बात करें अमेजॉन नदी जो है ब्राजील पेरू बोलीविया इक्वेडोर कोलंबिया और वेनेजुएला इन देशों में बहती है ठीक है ये सारी बातें थी एमेजॉन नदी से चलिए ये रही आपकी अमेजॉन ठीक है डन सर ब्लू नाइल रिवर है वर्ल्ड की लार्जेस्ट तो अच्छा अनातिका शर्मा जी नहीं है वो टेंशन ना ले ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था दसवा ग्यारहवा आते हैं ग्यारहवा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एमेजॉन एमेजॉन के बारे में क्या सही है चलिए Amazon के बारे में क्या सही है एमेजॉन के, के जो जंगल है उनके बारे में क्या सही है तो नाइल रिवर लॉन्गेस्ट है लार्जेस्ट एमेजॉन है देवियों सज्जनों इसे बात से समझिए अब आपके सामने एक इंसान है जो इतना ज्यादा चौड़ा है और एक इंसान है जो इतना ज्यादा लंबा है तो चौड़ाई और लंबाई दोनों अलग चीजें होती हैं ठीक है ग्यारहवे का क्या होगा एमेजॉन रेन फॉरेस्ट दो एमेजॉन के जंगल हैं उनके बारे में यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कह रहा है जो दिन का तापमान होता है वो बहुत ज्यादा है आदरशा बहुत ज्यादा होती है दूसरा कह रहा है जो रात्रि का तापमान है वो कम होता है परंतु आदरता ज्यादा होती है दोनों बातें सही हैं यही परिस्थिति होती है एमेजॉन की क्योंकि ये इक्वेटर के यानी भूमध्य सागर के पास है तो भूमध्य सागर के पास होने के कारण आदरता भी ज्यादा है क्योंकि नदी का भाग है और यहां पर बारिश रोज होती है ध्यान रखिएगा और दिन और रात दोनों में आद्रता बनी रहती है तो वही सारी बातें यहां पे एनसीआरटी कह रही है हॉट रहता है वेट क्लाइमेट रहता है और ठंडी मतलब जो रात होती है वो भी यहां पे आपकी काफी आर्द्र और इतनी ज्यादा कोई ठंडी भी नहीं होती तो वही बात यहां पे लिखी है डे टेम्परेचर हाई होते हैं विद हाई ह्यूमिडिटी नाइट टेम्परेचर जो होता है वो नीचे जाता है बट ह्यूमिडिटी जो है वो उतनी ही बनी रहती है बारहवा क्वेश्चन आ रहा है टाउकंस क्या होते हैं बारवा क्वेश्चन आ रहा है टाउकन्स क्या होते हैं चलिए ये क्या है कह रहा है बर्ड है पक्षी है जानवर है फसल है या पौधा है पौधा पौधा है क्या है ये बताओ क्या होता है ये टाउकंस एनसीआरटी इसके बारे में बोल रही है पूछ लेंगे टाउकन कहां मिलते हैं अरे भाई ये हो जाए तो सिविक्स भी हो जाएगी सब हो जाएगी अब जो है धीरे धीरे कर रहे हैं बहुत अच्छे बर्ड बर्ड यानी पक्षी पक्षी यानी पक्षी का पौधा बहुत सही बर्ड है बर्ड 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 एकदम सही है रहा टाउकन ठीक है टाउकंस फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम amazon रीजन एमेजोन के बारे में फिर से सही बताना है तेरवा क्वेश्चन आ गया है बताइए चलिए थर्टींथ कह रहा है द ग्राउंड रिमींस डार्क एंड डैम्प ग्राउंड जो होता है डार्क होता है डैम्प होता है ठीक है और यहां पे छाया सही श्रुता यानी छाया को झेलने वाले पौधे मिलते हैं हमें जैसे ऑर्किड बोर्मिलिडांस ये सारे और प्लांट पैरासाइट ऐसे पौधे हमें देखने को मिलते हैं अच्छा कह रहे हैं तुक्का लगाया कोई बात नहीं तुक्का काम कर गया बस यही काफी है है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाने में क्या जाता है ये आपके टॉकन वही अमेजोन में ही होते हैं उसी के बारे में बात हो रही है सब कुछ हम एमेजॉन के बारे में ही पढ़ रहे हैं एमेजॉन में ही होते हैं शिखा जी नेटिव है वहां के एंडेमिक तो नहीं है शायद चलिए सी हाँ सही है दोनों सही बात है एकदम बढ़िया है ठीक है आम बात है अमेजोन के जंगल के अंदर ऐसे घूम बहुत ज्यादा वो क्या नाम है छाया रहती है और ऐसे वृक्ष रहते हैं जो यहां पे छाया को झेल सके ठीक है यार सुजाता जी आवाज कैसे कम आ रही है बाकी सबको तो आवाज सही आ रही है ये आवाज की बड़ी परेशानी हो रही है पता नहीं क्या बात है ठीक है वही बात एनसीआरटी कह रही है सब कुछ कुछ यहां पे जानवर होते हैं मंकी स्लॉथ एंट ईटिंग टैपरिन ये सब होते हैं कुछ टेरापिन ये सब जानवर यहां पे मिलते हैं कोई खास नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं पिराना मूवी देखी होगी पिराना मछली यहां पे मिलती है ठीक है नहीं जी वहां पे भी नहीं है ये रहा टैपर ठीक है आज आइए मोनियाक मोनैक इज ए स्टेपल फूड ऑफ ये कहां का मुख्य भोजन है स्टेपल फूड जैसे अपना दाल भात ठीक है चावल जिसे आप कह सकते हैं चावल गंगा बेसिन का अफ्रीका का एमेजोन का या फिर डेजर्ट का देखो भाई आवाज कम आएगी तो सबको आएगी है ना तो सुमन जी को अगर आवाज आ रही है तो सबको आनी चाहिए तो अपने मोबाइल की आवाज बढ़ा लीजिए अब मैं तो आ नहीं सकता वहां पे आपकी आवाज बढ़ाने क्योंकि अभी ऐसी दिव्य शक्तियां मुझे प्राप्त नहीं हुई है प्रयास चल रहा है जब मिल जाएंगी तब हम इसे भी कर लेंगे ठीक है तेरवे का सी बहुत सही ऋषभ जी ये वीरांगना अरे वीरांगना कहां लिख दिया एमेजॉन ठीक है एमेजॉन में मिलता है कहां पे एमेजॉन में ठीक है। ये आपका कसावा होता है ये देखिए कसावा इससे बनती है ठीक है तो ये रहा आपका कसावा इसी का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो जिसे हम ट्रॉपिक टापि, टैपिको पाइन एप्पल स्वीट पोटैटो ये सब ये लोग उगाते हैं ठीक है आगे बात करते हैं यहां का जो खेती होती है उसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न मतलब काटो पेड़ और फिर जला दो फिर उसके बाद खेती कर लो फिर निकल जाओ वहां से तो स्टैपल फूड है मैनोइक ठीक है जिसे हम कसावा भी कहते हैं और पटेटो जैसा होता है ठीक है बात खत्म मलोका क्या होता है मलोका मलोका अब ये सब नाम पूछेगा जब सीटेट ना तब बड़ा मजा आएगा मलोका क्या होता है यार एसी बंद किया बंद ही नहीं हुआ मलोका क्या होता है मलोका हां शकरकंद जैसा ही कुछ होता है मलोका क्या होता है मलोका फोर्टींथ क्वेश्चन नंबर झूम की खेती हां श्लासन बन का होता है झूम की खेती मतलब क्या करेंगे जंगल को पहले काट देंगे आग लगा देंगे फिर वहां पे वापस आके कुछ टाइम तक खेती करेंगे फिर दूसरी जगह चले जाएंगे तो फोर्टीन का हो जाएगा हाउसेस होते हैं ये ठीक है हाउस होते हैं कैसे इस तरीके के कहा मिलेंगे यहीं पे मिलेंगे ये देखिए कैसे घर हैं ये देख रहे हैं घर को देखिए कितना मस्त है ये देखिए इसी को कहते है, हैं अपार्टमेंट टाइप घर है ये देखिए मलोका ठीक है तो आज से अपने घर का नाम मलोका रख दीजिए याद रहेगा फिर तो यहां पे बड़े बड़े घर होते हैं जिन्हें मलोका कहा जाता है मलोका तो इनकी रूफ होती है स्लैंटिंग क्योंकि बारिश होती है बहुत तेज हमने पहले ही पढ़ा था जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर ऐसी स्लैंटिंग रूफ लगाई जाती है ठीक है आगे बात करते हैं तेरवा हो गया फोर्टींथ हो गया फिफ्टीन अच्छा लग रहा है तो सभी अब इसी में रहेंगे चलो अफ्रीका चले जाओ सभी इसी घर में रहना तब पता चलेगा फाइंड द करेक्ट अबाउट एमेजॉन रेन फॉरेस्ट एमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में फिर से आपको सही बताना है चलिए दे ग्रो फास्टर इवन आफ्टर क्लीनिंग दैम बिकॉज ऑफ द हैवी रेन दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ तो आपको एमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में बताना है क्या हाउस है बहुत अच्छे हां सर मैं बिल्कुल भी चलाते हैं अफ्रीका बहुत सही मैं भी चलेगा साथ मेरा बाबा चलो तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में वर्षा वन के बारे में फिर से सही बताना है कह रहा है कि ये जितनी जल्दी काटते हैं उतनी जल्दी ये बढ़ते हैं और दूसरा कह रहा है इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है चलिए क्या होगा सही जवाब भाई किसी ने कुछ मेरे बारे में लिखा था क्या मैंने देखा नहीं कोई कुछ मेरे बारे में कह रहा था क्या कमेंट बहुत तेजी से निकल गया चलो तो अगर हम देखते हैं क्या लिखा था भाई मैंने देखा ही नहीं कमेंट ही निकल गया बंधु का देवी या देवियों का दीपा ने लिखा है क्या कुछ किसने लिखा है वापस लिख दो यार पढ़ तो लू कम से कम चलो तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि आ, यहां पे एक बात ध्यान रखेगा एमेजोन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं यहां पे अगर आप उन्हें काट देते हैं और ये सोचते हैं कि वो जल्दी उग जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कारण ये होता है कि बहुत ज्यादा तेज वर्षा के कारण जो मिट्टी होती है वो मिट्टी आपकी बह जाती है जो उपजाऊ जमीन होती है वो हट जाती है तो जो उसके बाद बचती है वो मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होता है अच्छा सर आपके नाम में मलोका बना दिया ऋषु ने अच्छा ये कह रहा है बहुत बढ़िया ऋषु तो ठीक है मलोका से आलोक से ध्यान रख लेना आलोक और मलोका है ना हो जाएगा तो पहले मुझे लोग बच्चे बोलते थे सर आप हो तो आलोक है यानी ऑल ओके है ठीक चलो तो यहां पे इसे लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं ठीक है ये सही है बट ये वाला गलत है है ना तो करेक्ट होगा केवल दूसरा चलिए सर अब से सब अपने घर को मलोका बोलेंगे हाँ ये बहुत सही रहता है तरीका ऐसे चीजें याद हो जाती है ठीक है ऐसे चीजें याद हो जाती है घर को अब से मलोका बोलना भाई कहां जा रहा हूं मलोका जा रहा हूं ठीक है तो उससे ध्यान रहेगा जब तक एग्जाम रहता है एग्जाम खत्म हो जाए तो काम खत्म है ना चलिए डन तो दोस्तों यार हाँ अलोक सर का घर मलोका हाँ मेरा घर तो मलोका ही है रियल में मेरा घर मलोका है भाई विश्वास नहीं होगा तो दिखा भी देंगे तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं थोड़ा सा एसी ज्यादा चला दिया तो तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुझे अब खराब लग रही है 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 गला वाला मेरा लिया है पकड़ ठीक तो कल मिलेंगे हम लोग ठीक है और कल बची हुई जो हमारी उसको हम समाप्त कर लेंगे आज सेशन इतना ही रखते हैं थोड़ा अजीब सा लगने लग गया यार मुझे तो ये वाला तो ऐसे चैप्टर भी हमारा शायद खत्म ही है कि बचा है नहीं बचा है थोड़ा सा कल ही खत्म करेंगे तो कल बचे खुचे दोनों चैप्टर को हम समाप्त कर लेंगे आज के लिए थोड़ा क्षमा याचना करते हैं क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मुझे अब यार खराब लगने लग गई ठीक है? है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है तो आप इसे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे आपको सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगी डिस्कशन ग्रुप है वहां पे बहुत कुछ आप पूछ सकते हैं जान सकते हैं समझ सकते हैं इंटरेक्टिव है तो ये सही रहेगा आपके लिए तो इसी के लिए क्या करें आप लोग इसको ज्वाइन कर लें मिलेंगे कल के सेशन में बची खुची सातवीं क्लास की एनसीआरटी हम कल बाइंड अप कर देंगे आठवीं क्लास की एनसीआर फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी एग्जाम से पहले वो बाइंड अप हो जाएगी हमारी तो बस पढ़ते रहे मेहनत करते रहे और कृपया करके क्या करें आप क्या करें सेशन को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी बातें जरूर लिखा करें जो भी आपके विचार हो व्यक्त किया कीजिए और पंद्रह में से जो मार्क्स बने तो तर जरूर बता दीजिएगा ठीक है चलिए तो धन्यवाद जय हिंद जय भारत